हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिशा, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी यहाँ बज रहा है सुबह का 9 और आज है संडे, तो संडे थोड़ा लेट ही होता है उठने वगैरह में, लेकिन हम लोग आज जल्दी उठ गए हैं क्योंकि आज जाना है मंदिर। और अभी मैं रूम वगैरह ठीक कर लेती हूँ। सुबह उठे हम लोग, चाय वगैरह पी लिए हैं, अब रूम वगैरह ठीक करेंगे और फिर नहाने चली जाऊँगी। उसके पहले मैं यहाँ पे इंडियन ड्रेस निकाल लेती हूँ कुछ, क्योंकि मंदिर जाएंगे तो फिर इंडियन ड्रेस कुछ पहन लेती हूँ। वैसे मैं साड़ी पहन के जाती हूँ, बट आज बहुत ज़्यादा ठंड है तो ठंड में साड़ी नहीं पहन पाती हूँ और ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो फिर मुझे लगा चलो सूट भी पहन लेती। और नहाने के बाद तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ऑरेंज का जूस, क्योंकि मंदिर जाना है तो हम लोग को लगा चलो नाश्ता नहीं करते हैं, पहले मंदिर से हो आते हैं फिर कुछ खाते हैं, खाना वगैरह मतलब दाना वगैरह। तो फिर यहाँ पे वही मैं ऑरेंज का जूस बना रही हूँ। और यहाँ पे जब से कोविड हुआ है तब से मंदिर जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो मेरे हस्बैंड एक दिन पहले अपॉइंटमेंट ले लिए, तो हम लोग को जिस टाइम पे अपॉइंटमेंट मिलता है उसी टाइम पे जाना रहता है। तो हम लोग आधे घंटे पहले निकल जाएंगे, 20 मिनट का रास्ता है और 10 मिनट वेट कर लेंगे, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह कभी मिल गई तो फिर मेरा टाइम पे पहुंच जाएंगे जिस टाइम पे अपॉइंटमेंट मिला है। तो कल से ही पता था कि इस टाइम पे जाएंगे, तो मैं एक्स्ट्रा में सब्ज़ी बना ली थी और यहाँ पे मैं चावल धो के रख के जाऊँगी ताकि आए तो फिर मैं चावल चढ़ा दूँगी, 5 मिनट में चावल पक जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल ये वाला जूस पी के हम लोग निकलेंगे मंदिर के लिए। तो मंदिर के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता है और उसके साथ ही उन लोग बताते हैं कि आपको ऐसे वैक्सीन जो लगी होती है उसका जो मिला रहता है वो कागज़ वगैरह लेके जाना होता है, क्योंकि अगर रैंडम चेक किए तो आपके पास होना चाहिए। वैसे चेक नहीं किए थे हम लोग जब गए, तो चेक वगैरह नहीं किए थे, लेकिन कभी भी कर सकते हैं, तो इसलिए वो सब मैं रख ली हूँ जो जो भी वहाँ पे लगता। तो और यहाँ पे मैं रेडी भी हो गई हूँ और बस सिर्फ मुझे स्वेटर पहनना है, स्वेटर पहनने के बाद में हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी और निकल रहे हैं अब मंदिर के लिए। अब मैं मंदिर पहुँच जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे वहाँ पर। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं, ये है बालाजी की मंदिर और ये बहुत ही फेमस मंदिर है। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और थोड़ा हिल टाइप एरिया है तो लोग बहुत ही इसको दूर दूर से देखने आते हैं और बहुत ही अच्छा व्यू भी है यहाँ का। तो अभी मैं बाहर का व्यू अच्छे से दिखाती हूँ और ये है मंदिर का बाहर का व्यू। मैं बाहर से ही रिकॉर्ड कर ले रही हूँ, पता नहीं अंदर से शायद रिकॉर्डिंग वगैरह ना करने दे, क्योंकि हर मंदिर में नहीं ही करने देते हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली हूँ वो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये हम लोग टेम्पल के अंदर आ गए हैं और अब यहाँ पे स्लीपर निकालेंगे, यहाँ पे हाथ धोने के लिए बना होता है, वो सब हाथ वगैरह धोएंगे। और यहाँ बहुत दिनों बाद हम लोग आ रहे हैं, जब से कोविड वगैरह में टाइम तो वो बंद ही था और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट वगैरह रहता था तो नहीं लिए थे हम लोग। और अभी थोड़े दिन पहले 1-2 महीने से हम लोग का रोज़ रोज़ का हो रहा था, आज लेते हैं कल लेते हैं, फाइनली आज का अपॉइंटमेंट मिला है तो आज हम लोग आए हैं। और जहाँ पे बालाजी की मेन मूर्ति है वहाँ का रिकॉर्डिंग और वीडियो नहीं शूट करने देते हैं, तो मैंने नहीं किया। तो ये है बाहर का क्लिप, तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली थी आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। जो मंदिर के चारों तरफ ऐसे परिक्रमा करते हैं, ये छोटी छोटी मूर्तियाँ वहाँ बना के रखते हैं, तो फिर मैं वहाँ का रिकॉर्ड कर ली थी थोड़ा सा। और यहाँ पे आ गए हैं हम लोग, ऑर्डर दे रहे हैं यहाँ पे प्रसाद एज ए बोल लीजिए इसको, तो फिर यहाँ पे खिचड़ी है, खिचड़ी नहीं सॉरी ये सांभर राइस है। और क्योंकि वो साउथ की सारी चीज़ें देते हैं, बड़े बड़े जो लड्डू होते हैं एकदम, वो रहता है और नमकीन वगैरह रहता है, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, तो पहले यहाँ से ऑर्डर देना होता है और फिर काउंटर पे जाके आप जो भी ऑर्डर का बिल रहता है आप जमा करेंगे, तो जो भी ऑर्डर रहेगा आपका वह यहाँ पर पैक करके लोग दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रसाद वगैरह ले लिए हैं और निकलती हूँ घर के लिए।
फिर रास्ते का थोड़ा सा व्यू मैं ली हूँ, वो आप लोग के साथ शेयर कर दी हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को डाउनटाउन होते हुए आना पड़ता है, तो वहाँ का भी व्यू बहुत ही अच्छा होता है। तो फिर चलिए मैं वो थोड़ा सा रिकॉर्ड की हूँ, फिर आगे आप लोग देखिएगा कि वो कैसा लगता है। और यहाँ एक बहुत सुंदर सा रिवर है, ये रिवर के ऊपर ही ऐसे पुल बना के ये हाईवे बनाए हैं। यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। किसी दिन मैं आऊँगी, वेदर बहुत अच्छा रहेगा तो मैं ज़रूर शूट करूँगी यहाँ का भी व्यू और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी तो सिर्फ मैं रास्ते का ऐसे ही ले ली हूँ और वहाँ का अगल बगल का जो सीनरी वगैरह है वो मैं आपको नहीं दिखाई हूँ, तो किसी और वीडियो में मैं कभी जाऊँगी तो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और यहाँ पे जस्ट मैं अभी घर पे आ ही रही हूँ, अब देखते हैं प्रसाद पहले हम लोग खा लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि खाना वगैरह, चावल वैसे सिर्फ चढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर तो बाद में कर रही हूँ, लेकिन ये प्रसाद इतना अच्छा था, इतना इसका टेस्ट अच्छा था कि पूछिए मत। बहुत दिनों बाद जैसे लग रहा था कि 3-4 साल बाद ऐसा कुछ खाए हैं। और ये लड्डू तो बहुत ही टेस्टी था। हम लोग हर बार जाते थे कोविड के पहले, जब कोविड वगैरह सब कुछ अच्छा था माहौल, तो जाते थे। तो मैं कई तरह और तरीके का राइस लेके आई थी, कर्ट राइस, लेमन राइस, बहुत तरीके का राइस वहाँ पे प्रसाद में मिलता है, तो वो लेके आई थी। और लड्डू वगैरह जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, अभी कोविड का टाइम है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो मिल गया था इस बार। और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, वैसे भी प्रसाद के नाम पर चीज़ें बहुत ही अच्छी हो जाती हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, बाय।